हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशात ब्लॉग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए मैं निकल गया हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैं अहराम की हालत में हूँ राइट नाउ। आई एम एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। कल रात मैं इधर आया, कल मेरी बनारस से फ़्लाइट थी। मैंने जैसा पहले बताया था कि बनारस टू मैं कोलकाता आऊँगा, फिर नेक्स्ट डे कोलकाता टू जद्दा। तो सेम वही है प्लान अपना। और कल रात में मेरी फ़्लाइट थी कोलकाता से 7:20 की। सामने गाइज हमारी बस खड़ी है जो मैं हवाई जहाज तक लेके जाएगी। अभी मैं अकेला हूँ, अप्पू और अप्पू के फ्रेंड तनवीर अंकल वो उधर ही हैं बैठे हुए। मेरी सीट आ गई थी तो मैं पहले गाइज हम लोग बस से उतर तो गए। ये बस हमारी प्लेन तक हम लोग को ड्रॉप की, और मुझे लग नहीं रहा मेरी आवाज़ आएगी। और इधर भी लंबी क्यू है गाइज। एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग में था सीट नंबर, तो करके हम लोग को पहले भेजा गया। अब्बू और अंकल अभी उधर बैठे हुए हैं, वो लोग मुझे नहीं पता कब आएंगे। मेरी अकेले की सीट थी तो मैं पहले ही आ गया। और इधर अपना हवाई जहाज खड़ा है वीडू, और इधर भी लंबी लाइन लगी। एट टेन के अराउंड मैं आ गया था कोलकाता। फिर अपना रात में मैंने आराम वगैरह किया। उसके बाद जो है सुबह रात में करीब मैं 1 बजे सोया, एंड सुबह कैसे उठा हूँ मैं 4 बजे के अराउंड, 3:45 तक उठ गया था। फिर हम लोग फ़ौरन निकल लिए एयरपोर्ट के लिए। खैर अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है 8 बजने के करीब है, 8 AM। और इमिग्रेशन वगैरह सारा हो गया, तो अपना अभी एक बिल्कुल रिलैक्स है। इधर अपनी फ्लाइट भी आ चुकी है एमिरेट्स, यू कैन सी बोइंग 777, पता नहीं कौन सी ऐसी करके कुछ लिखा हुआ है। और आप लोग देख सकते हो गाइस मैं अहराम की हालत में फुल। तो अपनी जो फ़्लाइट है वाया दुबई है, तो अभी अपन इधर से फ़्लाइट का जो टाइम है मेरा 9:45, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे बचे हुए हैं अभी फ़्लाइट को टेक ऑफ के लिए। फिर यहाँ दुबई है, फिर दुबई में 2 से 2.5 घंटे का ले ओवर है, फिर उसके बाद दुबई टू जद्दा। तो यार आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। मैं सोचा कि ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का। तो मैं सोचा कुछ 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 शूट कर लेते हैं, बाकी जो मैंने कल भी थोड़ा बहुत शूट किया था। एक्चुअली घर से निकलते वक्त बहुत ज़्यादा पूरा भीड़ भाड़ रश इस वजह से करके कुछ हो नहीं पाया। वो खैर अभी सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, सुबह चाय पी थी, फिर अभी इधर एयरपोर्ट पर आके बिस्किट खाया मैंने। तो अभी बाकी सब बढ़िया है, अपना बैग वगैरह सब सारा चेक इन हो गया है। और लगेज में मेरा एक बैग है, और एक मैंने ये साइड में बैग लगा रखा है। तो अभी बस थोड़ी देर में अपन निकलेंगे यहाँ से दुबई। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इधर थोड़ी वीडियो शूट करके दुबई में करके उधर एंड करके मैं उधर ही एडिट करके व्लॉग इंशाल्लाह जब जहाँ भी मुझे इंटरनेट एक्सेस होता है तो मैं अपलोड कर। एंड गाइज मैं ये चीज़ बताना तो भूल ही गया कि हम लोग टोटल 18 लोग हैं यहाँ से, और अब फ्लाइट की जो बोर्डिंग जो है स्टार्ट हो रही है, तो अब हम लोग आगे लंबी लाइन लग रही है, तो अब हम लोग बस इधर से निकल ही रहे हैं। सो गाइज फाइनली वी आर बोर्डिंग द फ्लाइट। अभी मेरा जोन डी था तो मैं पहले आ गया थोड़ा, और भी जो मेरे साथ के लोग हैं वो मुझसे पीछे हैं। और अपन फ्लाइट में इधर यह सामने अपनी एमिरेट्स, और अपन अब एंटर करेंगे। अच्छा नीचे से होके जाना है, तो नीचे भी लंबी क्यू लगी हुई है, तो देखते हैं कि कितना ट्रैफिक है, कितना नहीं है नीचे। बाकी सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव डेज टू बाई। और मुझे फ़्लाइट में अच्छे से शूट करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि सारे लोग थे, शूट करते हुए मज़ा नहीं आ रहा था। खैर जो भी, मैंने फ़्लाइट में अच्छे से खाया पिया, खाना बढ़िया लगा मुझे। और अभी हम लोग ने अभी नमाज़ वगैरह पढ़ी, वज़ू वगैरह करके हम लोग ने नमाज़ पढ़ी, एंड एहराम की नियत भी कर ली। तो इंशाल्लाह अब अपना उमरा यहाँ से स्टार्ट होता है कुछ देर में, इंशाल्लाह 4-5 घंटे के अंदर हम लोग जिद्दा पहुँच जाएँगे। फिर जो है मुझे नहीं लगता कि मैं आगे का अच्छे से शूट कर पाऊँगा। एक्चुअली फ़र्स्ट डे है, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू शूट ऑन फर्स्ट डे। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से अच्छे से वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो में कुछ ऐसा खास नहीं था, फिर भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना। एंड गाइस इंशाल्लाह आगे मैं आपको अच्छी से पूरी वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा, सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं सोच रहा हूँ इसको इधर ही एडिट करके अपलोड पे डाल दूँ, अगर दुबई जब तक हम लोग अगर दुबई में हम लोग रहें और एडिट हो के अपलोड हो गया तो बहुत बढ़िया, वरना मुझे सऊदी जाके इसको करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हियर। अच्छा लगा मस्त लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। खुदा हाफिज़।